राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उनका दबदबा अब वैसा नहीं है जैसा कभी हुआ करता था। कांग्रेस अब और भी कमजोर हो गई है। पवार ने कहा है कि एक समय था जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पवार ने कहा कि कांग्रेस को यह स्वीकार करना चाहिए, यह स्वीकार करने की मानसिकता जब कांग्रेस की होगी तब अन्य विपक्षी दलों के साथ नजदीकी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ शरद पवार ने संकेत दिया है कि महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में उनके सहयोगी दल को वास्तविकता की जांच करनी चाहिए। शरद पवार ने कहा कि जब नेतृत्व की बात आती है तो कांग्रेस के सहयोगी अलग नजरिया रखने के पक्ष में नहीं है। पवार को जब 2024 के लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी के एकजुट विपक्ष का चेहरा होने के बारे में बताया गया तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उनके पास राहुल गांधी है। पवार ने चुटकी लेते हुए कहा कि सभी दल खास तौर पे कांग्रेस के सहयोगी अपने नेतृत्व पर अलग रुख अपनाने को तैयार नहीं है। शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस पुराने दौर से उबर नहीं पा रही है और मौजूदा सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। शरद पवार ने जमींदारों के बारे में किस्सा सुनाया जिसने अपनी अधिकांश जमीन खो दी और हवेली के रख रखाव में भी असमर्थता थी। पवार ने कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश के जमींदारों के बारे में एक कहानी सुनाई थी जिसके पास काफी जमीन और बड़ी हवेलियां हुआ करती थी। भू सीमन कानून के कारण उनकी जमीन कम हो गई, हवेलियां बनी रही, लेकिन उनके रखरखाव मरम्मत की क्षमता नहीं रही। उनकी कृषि से होने वाली आय भी पहले जैसी नहीं थी। पवार ने कहा कि कई हजार एकड़ से सिमट कर उनकी जमीन 15-20 एकड़ रह गई। जमींदार जब सुबह उठा उसने आसपास के हरे भरे खेतों को देखा और कहा सारी जमीन उसकी है, वो कभी उसकी थी लेकिन अब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।